चतुर्दशी का दिन है। अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई हो। केवल साल भर में एक बार आती है, महाराज का वर्ष में केवल एक बार। जिस समय सुबह शाम तीर्थानंद का फल नहीं है, रात्रि के मध्य में तीर्थान का फल है और वो है चतुर्दशी का। जिस दिन शाम के दीपदान का फल नहीं है, मध्य रात्रि के दीपदान का फल, चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को दीपदान होता है और चौथा तीर्थ का, चौथा दिन वो प्रदान। निवेदन है आप सब कि प्रयास करना घर के बाहर आप एक ही दीप, जहाँ पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, भारत और एक ही दीप तुलसी के क्यारे के पास रखे, बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा। चौदह दिन जिनको ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई व्यक्ति बैठी लेकर बड़बड़ा रहा है, ऑक्सीजन लग रही है, उसके लिए भी ये लोटा पानी, उसमें दूध मिलाकर पांच बेल पत्र रखकर चतुर्दशी के दिन उसके नाम का पानी आप समर्पित कर सकते हैं। अगर मंदिर बंद मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे आप चरा सकते हैं, उससे तीन या चार दिन में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। निवेदन करूंगा जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, जिसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसका डायलिसिस चल रहा हो और छूट रही रहा हो, चतुर्दशी के दिन नदी के घाट पर, नदी तालाब सरोवर कुआं बावरी जो हो उसके तट पर 14 मीप लगाकर पीपल के पत्ते पर शहद डालना और उसमें एक काली लिर्जी शंकर जी का नाम डालकर बोलकर उसमें चरा दे। उसी पत्ते की काली लिर्जी थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दे और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, हम पीपल लीवर गड़बड़ हो रहा है, चतुर्दशी के दिन रात्रि को वो 14 पीप लड़ा कर जब घाट से आए, जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, उसको वो पत्ते समेत चटा दे और फिर जाकर जांच करवाऊंगा, आपको उसका फल प्राप्त करो। पर विश्वास केवल वर्ष में एक दिन चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जो रात्रि में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ता, उस बेलपत्र को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, वो उससे कम से कम 2-3 महीने तक चिताया जाता है, तब बच्चा बुद्धि और विद्या में तेज हो जाता है। जिसको याद नहीं देता हो, याद रास्ता कमजोर हो गई हो, कई बुजुर्ग लोग भी ऐसे हैं जिनको याद नहीं रहता बेचारी, हम उठी रख के भूल जाती, कई ऐसी ये सम्मान रख के दिन चला जाता है। तो चतुर्दशी के दिन आप प्रयास करना है भगवान शंकर पर बेलपत्र शहद की शीशी में डालना, उसको चाटना, महाराज विवेक बुद्धि तीव्र हो, याद कास्ता बनी रहे, याद रहेगा किसी और वाले महाराज ने कहते सुनाया था, दुनिया में ऐसा कोई सुख नहीं होगा ना जो पांच के दिन मिली। तो रात्रि के समय पर 14 दीप लगाकर आप किसी भी कामना से, किसी भी आनंद से इस मंत्र को जपे, बीमारी और वो उसके लिए, रोग और वो उसके लिए, लकवा लग गया हो, अगर शरीर कंपाईमान हो रहा है, शरीर में तैले से सो गया, तो सरसों का तेल एक बोतल लेता, घर में जो शिवलिंग है, घर में जो शंकर का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर सरसों का तेल समर्पित कर बेलपत्री चरा कर और इसी मंत्र का जाप कर, ओम सब बोलिए, ओम कीन, ओम हरि नाकाशाय नमः शिवाय, ओम कीन, ओम हरि नाकाशाय नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए आहिर पेरलिसिस की बीमारी भी है जो शंकर पर सरसों का तेल थाली में रख मंचना, तो मंदिर ले जा सकते, घर में चढ़ा और उस तेल को बोतल में भर कर सबेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले पहले रख दे, सूरज की तरण ना पड़े उससे तेल, उसको बोतल में भर लो और बोतल में भर कर जिसको पेरलिसिस की बीमारी उसकी मालिश 4-5 दिन अच्छी छत्ते दरबार 5 दिन बाद फोन करता जब बताना की चला की नहीं चल, उसको आराम लगा कर ली। इस मंत्र का जाप करते रहे, ऐसा कौन सा रोग जो आज के दिन सिद्ध ना हो, जैसे मिर्गी की बीमारी आती हो, चीत आते हो, तुम्हें से फेर ना जाता हो, गिर जाते हो, उसके लिए भी महाराज आज का दिन बहुत उत्तम का दिन। कोई बात समय अगर शिव जी का मंदिर हो, शंकर के मंदिर में जिसको चीत आते हो उसको बिठा कर और उसी शंकर के मंदिर में बेलपत्र चढ़ा कर पानी के लोटे में डाल ले, थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित कर दे,
जल समर्पित कर करता है, यही मन भर है। ओम हीम ओम हरि नारसाय नमः शिवाय, मन भर का जाप कर कर वो पानी उस है व्यक्ति को जिस पक्षी खाते हैं उसको प्रपेल पत्थर चबा चबा कर खिलाए और उस पानी को धीरे धीरे कर कर पिला दे। अगर आपने सही तरीके से करा तो विश्वास है ठिकाना बल रहे। ये मन लेकिन प्रबलता, आज चतुर्दशी का दिन है, 14 दिए है, जिस माँ उससे जिस मन से डर के बाहर लगाए बच्चों की नेत्र की रोशनी कम हो तो 14 दिए जब थाली में लेकर जाए घर में लगा कर की कहती है तो उन दियों को बच्चों की चश्मा हटा कर नेत्रों से दर्शन कराए। भगवान 14 दिए जो आप लगा रहे हो चतुर्दशी के दिन ग्रत रहे दिए जी के थे, आप भगवान को समर्पित करें। जैसा स्कंद पुराण में वर्णन लिखा हुआ है, चतुर्दशी का शिव महापुराण में वर्णन लिखा हुआ है, वैसा वर्णन हमारे विष्णु पुराण में लिखा गया है। उसके अनुसार 14 दिए जो लगा रहे हैं उसमें 14 दिए लंबी बंदी के लगाए, ए भी दिया है बोल बाती का फूल बाती का जो दिया लगाएंगे घी का उसको 14 दिए में से एक दिया आप निवेदन रहेगा कि घी का दिया आप लगाएंगे 14 दिए में से तो आप मट्टी का लगाए जाए आटे का लगाए जिस भी कामना से लगत 14 दिए में से जाकर कोई व्यक्ति का दिया रहेगा उस पर आप थोड़ा सा एक कटोरी तिरछी रखकर देखना उसमें जो कालोच बन उस कालोच को दूध में घोल कर देखना और वही दूध जिस बच्चे की विवेक कमजोर है बुद्धि कमजोर है बढ़ाई में मन नहीं लगता या मानसिक विकलांगता का शिकार है डॉक्टर कह रहे इस बोर्ड को प्रवेश करने में थोड़ा समय लगेगा ऐसे बच्चे को वो दूध जो केसर का हो जाए अर्थात भगवान के पिए की कालो से वो दूध थोड़ा सा चम्मच दो चम्मच शक्कर मिलाकर उसको पिलाने का प्रयास दूध शक्कर मिला लेना आपके केसर का वो कलर अर्थात वही कालो सा दिए की डाल ला और उसको सुबह उस बच्चे को जब सुबह का दूध बना उसमें दे उसके बुद्धि का विवाह प्रबल होगा विकास आनंद। जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो जहाँ अदालत तक बात पहुँच रही हो या बेटियां मायके रह रही हो पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो उस पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो। केवल भगवान शंकर के शिवलिंग आदि है माता पार्वती जी का हस्त कमल ये शिवलिंग रखा हुआ ये जलाकारी में से पानी बहने का स्थान बीच मोती सिलाएंगे जहाँ अशोक सुंदरी विरा कर रही है राइट में गणेश जी लेफ्ट में कार्तिकेय जी और कोल जो भाग तो माता जी का हस्त कमल है और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है ये शिव का स्वरूप है। जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है उस स्थान पर मात्र जिस सती पत्नी का आपस में प्रेम चल रहा हो अदालत में झगड़ा चल रहा हो विवाद चल रहा हो आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो हाथ में झगड़ा करते हो जरा जरा सी बात में मन मोटा हो जाता हो तो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भी ना कर अगर जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जाने 35-35 साल के हो गए 30 साल से ऊपर के हो गए 43 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं तो अगली जो आनंद त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। कितना महत्व है आनंद त्रयोदशी। अभी गणेश जी विसर्जन हुए गणेश जी को जल में विसर्जन किया तो आपके मन में प्रश्न तो खड़ा होगा आया तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ ने पूजन करो ने पाठ करो ने अर्चना करो ने 10वें दिन इनके विसर्जन कर दो और वो भी पानी में कर दो पानी में विसर्जन करो। तो ये कहां लिखा है कि जल में विसर्जन करो
श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे? गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें? तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छाटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। इतना सुंदर संबोधन श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, उस गलती को छाटना है, तब श्लोक लिखना है। क्यों कहा वेद व्यास जी ने ये बात? गणेश जी भगवान है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? जम के बोलो, भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। गलती हो गई उससे तो गणेश जी लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को, शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के। वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया। अब नहीं बोले, गणेश जी लिखते 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 थक गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कब करूं क्या, 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए? उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ में। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया, गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, जल के अंदर, शरीर का ताप मिट जा। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है, जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मैं मिटा दूंगा। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय।